अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेड सॉस पास्ता। तो इसके लिए हम सबसे पहले पास्ता सॉस तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिए हैं और अब इनको रफली चॉप करके ग्राइंड करेंगे। टमाटर ग्राइंड हो गए हैं और अब हमने लेना है एक पैन। पैन में हम डालेंगे एक टेबलस्पून ऑयल और एक टीस्पून बारीक चॉप किया लहसुन डालेंगे और साथ ही इसमें हम एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर हाफ टी स्पून लाल कुटी मिर्चें डालेंगे और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटो पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया है और इसको हम एक से दो मिनट पकाएंगे। अब हम डालेंगे दो टेबलस्पून टोमेटो केचप, नमक, हाफ टी स्पून ओरिगैनो, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट तक पकाएंगे जब तक ये रिड्यूस होकर हाफ हो जाए और थिक हो जाए। तो चलिए सॉस हमारी रेडी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पास्ता और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये तैयार है हमारा रेड सॉस पास्ता। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।